हेलो बच्चों, तो बच्चों एक बात बड़ी सीधी स्पष्ट आपके सामने आज मैं करूंगा। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग के काफी फायदे होते हैं। आप टीचर से कनेक्ट फील करते हैं और हर वक्त टीचर की नजर में आप रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का काफी डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ऑनलाइन के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन के अंदर आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन के अंदर भटकने का और इधर उधर डिस्ट्रेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। तो देखो, कुछ फायदे ऑनलाइन के हैं और ये हार्ड रियलिटी है, कुछ फायदे ऑफलाइन के भी हैं। आज एक इन दोनों के बीच में हम कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है। सभी पहलुओं को डिटेल में गौर के साथ आपके सामने रखा जाएगा और बिल्कुल न्यूट्रल होकर, जब मैं आपको बार बार बात बोलता हूँ, मेरा जो ओपिनियन रहता है आप लोगों के लिए हमेशा न्यूट्रल रहता है। और मैं क्या एक ऐसा सोल्यूशन निकाल सकता हूं जो एक्चुअली उद्देश्य है इस वीडियो का, जिसमें ऑनलाइन के भी फायदे मिल जाए और ऑफलाइन के भी फायदे मिल जाए, और अगर ये दोनों फायदे मिल जाएं तो बेटा फिर चमत्कार हो जाते हैं। ये चमत्कार आप देख रहे हैं, ये चमत्कार हुआ है, ये वेदांतु ने करके दिखाया है। एक समय था जब हमारे सिर्फ 1500 बच्चे जेईई एडवांस में 2021 में सिलेक्ट हुए। अब ये नंबर देखो, उसके बाद बेटा हमारा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वेदांतु का डीएनए, वेदांतु के जो फाउंडर्स हैं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हैं, तो ऑफलाइन का एक्सपोजर भी है लेकिन ऑनलाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी है। तो उसके बाद मतलब वी आर नॉट ऑनलाइन बाय फोर्स, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, वी आर ऑनलाइन बाय चॉइस। मतलब लोग तो ऑनलाइन हुए जब कोविड आया, हम तो अपनी चॉइस से पहले से ही है ना ऑनलाइन थे। तो फिर आप नंबर देखिए, 3000 बच्चे हमारे 2022 में आईआईटी, ये एडवांस की सिलेक्शन की बेटा बात हो रही है, ये किसी और चीज की सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, एडवांस की सिलेक्शन की बात हो रही है, हमारे आईआईटी के अंदर गए। और फिर उसके बाद बेटा 3988 स्टूडेंट्स हमारे, ये नंबर बढ़ता जा रहा है, हमारे अब तक 2023 के अंदर एडवांस में सिलेक्ट हुए और अब 2024 का रिजल्ट भी आ चुका है। लगभग बेटा हमारे टोटल टिल डेट 4538 बच्चे जेई एडवांस के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक बार इस बात के लिए तो बेटा हमारा यलगार तो होना बनता है, जोश तो दिखाना बनता है, कुछ तो बात होगी है ना। कहते हैं ना कि हर चीज की अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, मेरे बच्चों हर चीज के कुछ कारण होते हैं, तो कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से वेदांतु इतने बच्चों को आईआईटी के सपने में पहुंचाने का पूरा जिम्मा उठा चुका है और अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको दूं, जिसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के फायदे लेकर अपने प्रिपरेशन में आगे बच्चों बढ़ पाए, ठीक है जी। तो हो सकता है जैसे ये नंबर हमारा आया है इस बार 4500, तो 2025 में जब एक और पिलर बने तो उनमें जो बच्चे हों उनमें आपका भी नाम हो बच्चों, ठीक है जी। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कम बच्चे जेईई एडवांस क्लियर कर पाते हैं, तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक जेईई, तो इसका जवाब कुछ सवालों से निकालते हैं। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोग फटाफट अपना उत्तर अपने मन में दोहराएं। जो बच्चे लाइव हैं वो चैट के अंदर बोल सकते हैं, जो बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे वो अपने मन के अंदर इस उत्तर को जानेंगे। तो भैया सबसे पहले तो भैया एक बेसिक अवेयरनेस ले लो, तुम्हें पता है कितनी आईआईटीज हैं भैया, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली जो भी बच्चा जेईई की तैयारी करता है उसका सपना तो आईआईटी रहता है, वो कोशिश जरूर आईआईटी की करता है, फाइनली वो जहां भी पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य तो हमारा और होना भी चाहिए इसके अंदर, अगर इसके बिना भाग रहे हैं तो फिर तो मतलब आपका गोल ही क्लियर नहीं है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कितने आईआईटीज हैं हमारे पास, कितने आईआईटीज हैं ऑल ओवर इंडिया। सर 11 हैं, 17 हैं, 23 हैं, 30 हैं, आई गेस बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया प्राइमरी आईआईटी 7 है, उसके बाद नए आईआईटीज हमारे और आगे, जिसकी वजह से अभी टिल डेट हमारे 23 आईआईटीज हैं, बिल्कुल 23 आईआईटीज हैं जो बच्चे का टारगेट होना चाहिए, ठीक है जी। विनय सर बात सही है, कितने बच्चे पेपर देते हैं भैया पता है तुम्हें आज की डेट में, तो जेईई का जो नंबर है और नीट का जो नंबर है हर साल बढ़ता जा रहा है, अभी आज की डेट में एवरेज अगर हम देखें कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, 5 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 15 लाख, तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा ये एक टाइम पे नंबर हमारा 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक वेरी करता था, 2023 में ये 11 लाख तक भी गया और 24 में बेटा ये नियरली 15 लाख को भी टच हुआ और 14 लाख के आसपास था, 14 से थोड़ा सा ज्यादा था। और 2000 अब जब 25 में बच्चे देखेंगे, 26 में जाएंगे, आने वाले सालों में ये नंबर और बढ़ने वाला है। रीजन बहुत सिंपल है, ऑनलाइन एजुकेशन भी है, ऑफलाइन तो थी ही, तो अब ज्यादा बच्चों को एक्सपीरियंस और अच्छे एजुकेटर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे और अच्छे से बेहतर प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो 15 लाख के आसपास बेटा हमारा जेई के अंदर एस्पिरेंट्स जाने वाले हैं। तुम्हें पता है सीट्स कितनी है, ये अब सवाल आती है, 15 लाख बच्चे तो हैं लेकिन आईआईटी की सीट्स कितनी है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन आईआईटी। सर सीट्स ले दे के 10,000, 12,000, 16,000, 20,000 सभी आईआईटीज की सभी ब्रांचेस इंक्लूड कर ले तो सीट्स मेरे बच्चों आती हैं गिन के 16,000। तो 15 लाख बच्चे और 16,000 सीट्स, तो मतलब सिलेक्शन परसेंटेज इज लेस देन 1.5%, लगभग 1.1% के आसपास बनता है। तो मतलब अगर 100 बच्चे अगर पेपर देंगे जेईई का तो सिर्फ एक बच्चा आईआईटी तक जा पाएगा, इतना हार्ड कंपटीशन है मेरे भाई। और अगर इतना हार्ड कंपटीशन है बच्चों, फिर इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप मानिए चाहे ना मानिए, ये सत्य है इस पूरे कंपटीशन का,
बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के ये नहीं हो सकता, यू नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस। कुछ बच्चे कर लेते हैं वो बहुत कम है, वो उंगलियां जितनी हाथ की उंगलियां है ना 10, वो पूरे 16,000 बच्चों में गिन के 10 बच्चे भी नहीं होंगे ऑल ओवर इंडिया जो बिना कोचिंग के कर पाते हैं। तो ये एक हार्ड सत्य है कि सर 16,000 सीट्स हैं, 15,00,000 बच्चे हैं, सिलेक्शन परसेंटेज 1.1% के आसपास है। इतने हार्ड कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए आपको एक राइट गाइडेंस, एक्सपर्ट मेंटरशिप चाहिए चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्मेट में लें चाहे ऑफलाइन फॉर्मेट, इसके बिना नहीं हो, इसके बिना होगा ही नहीं। तो मेरे बच्चों अब आइए मैं आपको कुछ बच्चों की बात बताता हूं जिन्होंने एक्चुअली वेदांतु से इस एक्सपर्ट कोचिंग को लिया, और इस एक्सपर्ट कोचिंग को लेने के बाद उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरी जर्नी के दौरान। तो बेटा ये हमारा एक स्टूडेंट है, आप देखिए प्रखर जैन 2023 में, ये सारे टेस्टिमोनियल्स आपको इन बच्चों के हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे। 2023 में इसका जे एडवांस के अंदर रैंक 21 आया था, और देखिए मतलब इस बच्चे की, इनकी वीडियोस भी वहां पड़ी हुई हैं, आप कहेंगे तो इनकी वीडियोस में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, आप सुनिए इन बच्चों की बातें। इट इज ऑलवेज इजी टू ट्रस्ट वेदांतु कंपेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, द मॉड्यूल्स हेल्प्ड इन रिवीजन एंड ऑल्सो हेल्प्ड अस लेवल अप। तो मतलब कुछ ऐसे ये बच्चे हैं जिनका एक्चुअली इन्होंने कहा है कि यार किसी और कोचिंग पे विश्वास करना इतना आसान नहीं होता जितना विश्वास हम वेदांतु पे कर पाए, और ये प्रॉपर वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर रेगुलर अपनी 2 साल की कोचिंग वेदांतु पे रह के कंडक्ट की अपनी बच्चों, और वेदांतु पे विश्वास करना इन्हें ज्यादा आसान लगा। डेफिनेटली ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, जो बड़े बड़े नाम आप ऑफलाइन के अंदर देखते हैं, वो सभी इंस्टीट्यूट चाहते हैं ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़े। हर एक को चाहिए होता है कि यार भैया मेरे से बेहतर रिजल्ट निकले, हर बच्चा, हर टीचर चाहता है, हर कोचिंग चाहती है। बट इवेंचुअली इन बच्चों ने खुद नॉट बाय फोर्स दे चूज वेदांतु अगर अदर ऑल दोज इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज दे नो दैट जितना डेडिकेशन और लव यहाँ पे टीचर्स ने इनके साथ प्रिपरेशन क्लासेस में दिखाया है, ये देखना कहीं और बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के आसपास है। साथ ही साथ अगर बेटा मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं है ना, देर इज वन मोर स्टूडेंट हर्ष जाकड़, अगर आप हर्ष जाकड़ को जानते हैं, इसका जे एडवांस के अंदर रैंक 48 आया एंड कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT बॉम्बे ही इज डूइंग, और इसका और इसके पेरेंट्स का एक टेस्टिमोनियल हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं। You can feel that pain in their eyes. मतलब कि यार इतना प्यार से कोई हमारी तैयारी में हमारे साथ खड़ा हो सकता है, ये हमें भी विश्वास नहीं था। ये इन बच्चों का टेस्टिमोनियल है, ये लिखा है इन्होंने कि इतने प्यार से सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम अपनी IIT को क्लियर कर पाएंगे, इतने प्यार से वेदांतु हमें पढ़ाएगा, और इतने इतने लेवल, रात को चाहे दिन नहीं रात नहीं 3-3 बजे, मैं आपको बता देता हूँ हर्ष जाकड़ के साथ पर्सनल मेरा भी एक इंटरव्यू मैंने किया था इस चैनल पे, रात के बेटा 3 बजे भी इस बच्चे ने हमें बताया कि जो वेदांतु के टीचर्स थे ना वो इसके साथ बैठ के डाउट सॉल्व करते थे, और कई बार सुबह के 5-5:30 भी बज जाते थे, और उसी टीचर की सुबह 9 बजे लेक्चर भी होता था। तो आप देखिए मतलब इस लेवल का डेडिकेशन इन बच्चों के साथ, ये सारे टेस्टिमोनियल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे है ना, इन बच्चों के साथ हमारा यहाँ पे फील हुआ है। ठीक है, तो अगर लेट मी सी इफ वी कैन प्ले दिस वीडियो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं है ना। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन दी एक सेकंड दीजिए मेरे बच्चों, तो एक सेकंड, हाँ जी मेरे बच्चों, तो लेट्स सी ये अगर वीडियो, यू कैन प्ले दिस वीडियो एक सेकंड। हाँ तो बेटा एक बार देखिए जरा आवाज आ रही है, ऑनेस्टली बताओ साउंड आ रही है, तो बेटा एक बार बता दो, बेटा साउंड आ रही है तो बता दो। जैसे हमारे केमिस्ट्री में विकास होंगे सर, मतलब रोज सुबह शाम मेरे को फोन कर करके मेरी प्रोग्रेस में से पूछते रहते थे, मेरा काम कितना हुआ कितना रह गया, उस हिसाब से मेरा आगे काम देते थे, उससे मेरा इंटू बना रहता था, स्पीड बनी रहती थी, एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है हर टीचर में हाँ जी बच्चों, तो बच्चों देखा आपने है ना किस लेवल से इन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ऐसे बेटा भरे पड़े हैं है ना।
the examples are immense. We have immense number of examples जहां पे इन बच्चों का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस और इनका जो हमारा रहा मतलब पूरा वेदांतु पे जो आपने अभी खुद बच्चों सुना है, ठीक है? ओके, सो एवरीथिंग इज ऑल सेट. ओके, जस्ट एक सेकेंड बस बेटा, थोड़ा सा सर सेटिंग कर रहे हैं. तो बस बेटा बात इतनी सी है कि यार अगर एक सही मेंटोरशिप मिल जाए, जो मैंने आपको बोला कि यार कॉम्पिटिशन हमारा इतना ज्यादा हमारा स्ट्रांग कॉम्पिटिशन है कि अगर हमें एक सही गाइडेंस सही समय पे मिल जाए तो बेटा फिर कोई कारण नहीं है कि हम इस प्रिपरेशन में आगे ना बढ़ पाए. ये पक्का है कॉम्पिटिशन स्ट्रांग है, लेकिन ये भी पक्का है कि अगर सही मेंटोरशिप और सही गाइडेंस, सही टीचर जिनसे आप रिलेट करते हैं, आप पे काम करने वाले, आपके अंदर वो विश्वास की ऊर्जा बनाने वाले कि यार हमारा हो ही जाएगा अगर ये टीचर्स हम पे काम करेंगे, तो फिर बेटा डेफिनेटली आप इस जर्नी में बहुत आगे तक बच्चों जा सकते हैं. तो बेटा जो हमारे वेदांतों के बैचेस हैं, जरा ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं इनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिजल्ट में सबसे मैसिवली कंट्रीब्यूट करती हैं. सबसे बेटा हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट क्लासेस. मतलब हमारा सारा कंटेंट पीपीटी प्रेजेंटेशन क्विजेस के फॉर्मेट में पहले से हर लेक्चर का रेडी रहता है. लेक्चर के बाद जो असाइनमेंट बच्चों को जानी है वो भी रेडी रहती है. तो ये जो कॉन्टेंट है ये इतना ज्यादा प्लान्ड है कि अब इसके अंदर एक मशीन की तरह एक सिस्टम बन गया. इस मशीन में जो भी बच्चा जाएगा वो निखर के ही खरा सोना बन के ही बेटा आपका बाहर निकलेगा. तो सबसे बड़ी बात तो बेटा यही है कि ऑनलाइन क्लासेस आर हाईली एफिशिएंट. ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि यार मेरी लर्निंग आउटकम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है. और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं बेटा, जो सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं ना, आज की डेट में ऑफलाइन मिलना मुश्किल है. ऑफलाइन मिलते हैं लेकिन बड़े शहरों में मिलते हैं. लेकिन अगर आप एक एवरेज किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, है ना, आपका अगर छोटा शहर है या गांव से बिलोंग करते हैं, वहां पे कभी आपको उस लेवल के कॉम्पिटेटिव लेवल के टीचर्स नहीं मिल पाएंगे. ये हार्ड रियलिटी है. लेकिन आपको बेस्ट टीचर्स ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन बैचेस के अंदर मिल जाते हैं. दूसरी बात, डाउट एट एनथा. आपको रात को 12, हमारा जो डाउट ऐप है 24/7 अवेलेबल है. मतलब रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अगर आपको किसी भी टाइम पे कोई डाउट चाहिए होगा तो वेदांतों के टीचर्स आपको आपको प्रोवाइड करेंगे. हमारी एक टीम है जो रात को डाउट्स लेती है, एक टीम है जो दिन में डाउट्स लेती है. तो डबल शिफ्ट में काम चलता है. बच्चे को डाउट हर उस समय पे मिलेगा जिस समय पे वो चाहता है. एमरजेंसी बेटा, अगर कोई एमरजेंसी आ गई आपके पास, आपको लगता है कि यार मैं आज लेक्चर नहीं लगा पाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर हैं, आप उनका रिप्ले देख सकते हैं. फैमिली फंक्शंस के लिए ट्रेवल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट कोई अगर आपको कहीं पे किसी कारणवश अगर आप अपने शहर में नहीं रह पा रहे, आपको जाना है, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा. आप चलती गाड़ी में बैठ के अपना लेक्चर लगा के आप सुन सकते हैं. ये सारे फायदे हैं. सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आज की डेट में. आप जानते हैं बेटा कोटा के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स आ रहे हैं. स्पेशली गर्ल्स को मैं यहाँ पे कहूंगा, तो भैया आप अपने घर पे बैठ के सेफ एनवायरनमेंट, पेरेंट्स को भी मेरी ये बात सुनाइएगा, आप अपने आज की डेट में जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की. वो सारा कंटेंट, वो सारा अच्छे टीचर्स अब आपके घर पे, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप के सामने आपके खड़े हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है. सेफ्टी को रखते हुए आप अपने घर पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. ट्रैवल टाइम इज प्रेशियस. क्लासेस लगाने के लिए कई बार इतने जाम लगते हैं. कई बच्चे 2-2 घंटे तो ट्रैवल करके आते थे, मुझे याद है बसेस के अंदर, कि भैया लेक्चर लगाना है किसी टीचर का, तो तुम अपने घर पे बैठ के लगा सकते हो. सेफ्टी तुम्हारे पास है और डेफिनेटली बेटा नो कॉम्प्रोमाइज. आमतौर पे ऑफलाइन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम्हें ना टीचर पता ही नहीं होता तुम्हें कौन सा मिलने वाला है. अगर तुम्हें टीचर मिल गया, तुम उस बैच में फंस गए बेटा, फिर तुम्हें अगर वो टीचर, हो सकता है टीचर अच्छा हो बट तुम्हारी अगर उसका ट्यूनिंग नहीं बैठ रही ना, तुम फंस जाएंगे. तुम्हें फिर साल वहां पर लगाना पड़ेगा. और देखो बेटा, एक साल तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर का है, तुम एक ऐसी जगह पे बिता रहे हो जहां पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो कभी भी अच्छी आउटपुट नहीं आएगी. तो आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ऑनलाइन में है ही नहीं है. आप अपने टीचर्स पहले देखते हैं, चूज करते हैं. आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं ना, फिर तभी आप मेरे कोर्स के अंदर आएंगे. तो आप अपने टीचर्स को देख कर बेसिकली जब बैचेस लेते हो, तो फिर डेफिनेटली बेटा आपका वहां पे परफॉर्म करने का और सस्टेन करने का और ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यार ये सारी बेटा फिर बातें हैं. जब सारी बातें मिलती हैं तो बेटा यही वो कारण है जिनकी वजह से बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं. सुपरवाइज्ड लर्निंग. अच्छा, मैं एक सब सिंपल से आपको एक और बात बता देता हूं. अब ये जो पॉइंट है ये जरा ध्यान से सुनना. एक तो हमारी ऑनलाइन लेक्चर्स आप लगाएंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर भी अपने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया सुपरवाइज्ड लर्निंग का. आप अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे आप बैठे हैं, आपका कैमरा भी ऑन होगा, तो हम आपको ऑफलाइन जैसा बिठा के पढ़ाएंगे. हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, एक अलग से टीचर होगा जो तुम्हें मॉनिटर करेगा, जिसको हम प्रॉक्टर बोलते हैं. तो भैया कैमरा ऑन करना पड़ेगा. अगर तुम अटेंटिव नहीं हो तो तुम्हें सुपरवाइज किया जाएगा, तुम्हें डांटा जाएगा, तुम्हारे फोन पे कॉल आएगा, तुम नहीं उठाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स पे जाएगा. सबसे बड़ा पेरेंट्स का इशू ये रहता है कि सर ऑनलाइन में हमें क्या पता बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो भी हम बता देंगे. तो वी विल टीच यू ऑफलाइन, बिठा के पढ़ाएंगे. इस बैच के अंदर ये ऐसा बैच है जिसमें हम आपको बिठा के पढ़ाएंगे.
24/7 डाउट सपोर्ट होगा, पर्सनल फीडबैक, पर्सनल टीचर भी आपको मिलेगा अलग से, क्लास के अलावा अलग से, बाद में डाउट ऐप भी अलग है, अलग से टीचर भी तुम्हारे पास रहेगा कि यार तुम अगर चाहते हो कि यार मुझे मतलब तुम अगर ऐसे ऐसे हो ना जो बार बार डिप्रेस हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, ट्रैक से भटक जाते हो, दो दिन सोचते ही रहते हो, थॉट्स में चले जाते हो, तो वी विल गिव यू अ टीचर हु विल बी योर फ्रेंड, हु विल बी योर मेंटर, हु विल बी इन टच विद यू। कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर आपको हमारे से चाहिए होगी, ये सब कुछ आपको अरेंज करके देंगे। बैकलॉग्स का टाइम टेबल ये बना के देंगे, बैकलॉग्स के शेड्यूल, लेक्चर से सब करवाएंगे। कोई एडिशनल लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी तो सिस्टम से रिक्वेस्ट करके वो टीचर से वन टू वन तुम्हारा वो भी करवाएंगे। फोकस्ड रिवीजन, डेफिनेटली पूरी रिवीजन सिलेबस खत्म होने के बाद दो तीन महीने पूरा फोकस रिवीजन चलता है। लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट और अनलिमिटेड प्रैक्टिसिंग। बेटा हमारी कुछ ऐसी एप्स हैं जिसको हम पेडागोगी एप्स बोलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को जो हम कंटेंट देते हैं उसके अलावा कुछ बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आपको उनसे भी कोई डीपीपी असाइनमेंट बनानी है तो वो आपको ऐप बना के दे देती है। तो इनफाइनाइट सॉल्विंग मटेरियल मिलता है, एंड यस बच्चों लेटेस्ट पैटर्न के जो ट्रेंडी टेस्ट है वो भी आपको मिलते हैं। ठीक है जी, तो मतलब कोई यार ऐसा बचा ही नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं है जहां से मतलब बच्चे का रिजल्ट ना आए। ठीक है, और अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो उसकी गारंटी भी बदान तू लेगा, है ना, आपको आपके पैसे भी सारे रिफंड कर दिए जाएंगे। आगे आपको बताऊंगा आगे चलकर मैं, इसके अंदर वो भी हमने इंक्लूड किया है, हमारा एक स्पेशल प्रॉमिस जिसे हम वीआईपी बोलते हैं, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। ठीक है, तो मतलब फिर ये है, फिर वेदांतु इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यार कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम तुम्हारे पैसे भी रिफंड, क्योंकि हमें पता है आएगा, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं है जिससे एक बच्चे का रिजल्ट ना आए, अगर वो बच्चा ईमानदारी से इस पूरे प्रोसेस के थ्रू निकल जाए बच्चा। ठीक है जी, और सबसे एक्सक्लूसिव फीचर जो मैंने आपको बताया था, दैट इज ऑफलाइन लाइक डिसिप्लिन। हमारा ये जो बैच है इसके अंदर डिसिप्लिन पूरा ऑफलाइन टाइप्स होगा, आपका कैमरा ऑन किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन्ड होगा, मतलब आपका कैमरा जो ओपन होगा, है ना, आपका कैमरा ऑन होगा जब आप लेक्चर लगा रहे होंगे, और आपको प्रॉपर प्रॉक्टर किया जाएगा, देखा जाएगा आपको, और उसके अंदर ये मेक श्योर किया जाएगा डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। अगर तुम अपनी सीट पे नहीं बैठे तो तुम्हें कॉल किया जाएगा, अगर तुम बैठे हो और थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहे हो तब भी तुम्हें मॉनिटर करके कॉल किया जाएगा, अगर तुमने टैब चेंज किया तब भी तुम्हें मॉनिटर किया जाएगा, समझ रहे हो, तो मतलब हर वक्त हम तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, तो स्टूडेंट प्रॉपर इंटरेक्शन इसके अंदर रहेगी। ठीक है ना, अटेंटिवनेस इज मेंटेन्ड, मतलब अगर कहीं कमी पेशी लगी तो कॉल करके बताएंगे, डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड, तुम उठ के चले गए पानी पीने, 5 मिनट के बाद वापस नहीं आए, 2 मिनट के अंदर वापस नहीं आए, तब भी तुम्हें कॉल किया जाएगा, तुम नहीं उठाओगे तुम्हारे पेरेंट्स को कर देंगे, और अगर हमें लगा कि भैया ये बच्चा किसी प्रॉब्लम के अंदर है तो फिर प्रॉपर इंटरेक्शन होगी, प्रॉपर एक सेशन शेड्यूल करके प्रॉपर आपसे बात करेंगे और आपको प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपको फिर धक्का मार के आगे भेजेंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बेटा भाग लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको ना धक्का लगाना पड़ता है, उन्हें बार बार वो मोटिवेशन पुश चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर मेरे बच्चों मिलता रहेगा। ठीक है ना, और हाँ हमारे जो लेक्चर्स हैं बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, हर लेक्चर हमारा डुअल टीचर मॉडल पे है, दो टीचर्स होते हैं, एक टीचर मास्टर टीचर होता है जो आपको लेक्चर के अंदर पढ़ा रहा होता है, एक अलग से टीचर हमारे डाउट पैनल में बैठे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लास टीचर, सीटीज। तो मास्टर टीचर तो आपको पढ़ाएगा, इस दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने सीटीज के साथ डाउट क्लियर करो, टीचर पढ़ा रहे। अब ऑफलाइन में क्या होता था, ऑफलाइन में एक टीचर जब आपको पूछता था डाउट है तो आपको शर्म आती थी, इतनी क्लास के सामने डाउट कैसे पूछूंगा, कई बार टीचर भी अननोइंगली आपकी बेइज्जती कर देते हैं, आपको हर्ट हो जाता है, आप दोबारा पूछते नहीं हो। अब यहाँ पे वो सिस्टम ही हटा दिया, टीचर आपको पढ़ाएगा, आपने डाउट किसी और टीचर से पूछना है लाइव लेक्चर के दौरान। हाँ, अगर इस टीचर को लगा कि यार ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं डाउट, तो फिर वो ये टीचर मास्टर टीचर को रूट कर देता है कि यार एक बार पूरी क्लास को रिपीट कर दो, तो फिर वो कंसेप्ट जो होगा वो पूरा मास्टर टीचर जो है वो क्लास को दोबारा रिपीट करेगा, समझ रहे हो। तो जितने मर्जी पूछो, घबराने की बात ही नहीं है, तो लेक्चर के अंदर डाउट इन्फाइनाइट पूछ लो, लेक्चर के बाद डाउट ऐप तो है ही 24 घंटे, जितने मर्जी डाउट पूछ लो। ठीक है ना, और इसके अलावा बेटा हम आपको तत्व भी प्रोवाइड करते हैं, ये वेदांतु की बुकलेट्स हैं इस पूरी जेई प्रिपरेशन की, और इनफैक्ट कोई नीट में भी है तो वहां पे भी हम प्रोवाइड करते हैं, इनकी हार्ड कॉपी आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, हार्ड कॉपी। इन बुकलेट्स के अंदर बेटा मैं आपको बता दूं, पूरी टेक्नोलॉजी लगा के ये बुकलेट्स आपको मिल रही है। इन बुकलेट्स के अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चन, एक्सरसाइज वन जिसमें हम बेसिक लेवल के, मेन्स लेवल के क्वेश्चन देते हैं टॉपिक बाय टॉपिक वाइज। एक्सरसाइज टू में हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस देते हैं। एक्सरसाइज थ्री में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देते हैं हर टॉपिक वाइज एंड हर कंसेप्ट वाइज, जिसमें इंटीजर, सिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैथ्स का कॉलम, वो सारे आपको मिल जाते हैं। एक्सरसाइज फोर के अंदर जेई एडवांस लेवल के सवाल होते हैं, तो बेसिकली आपको ग्रेडेड लेवल की एक्सरसाइज भी मिलते हैं। सबसे अच्छी बात, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको इसके अंदर अलग से मिलती है, एनसीईआरटी की थ्योरी भी गिवन है, तुम्हें थ्योरी के लिए भी भागने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको मिलती है, थ्योरी को समझने के लिए कंसेप्ट वीडियोस भी होती है, सोल्यूशन इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आप हर एक्सरसाइज के बाद अगर आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे।
है ना, हर थ्योरी एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ कंसेप्ट वीडियोस क्यूआर कोड गिवन अंदर गिवन होते हैं बुकलेट के अंदर, आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे आपको वो भी मिल जाएगा। तो मतलब सब कुछ जो है इस किताब के अंदर कंटेंट वाइज आपको डाल के दे दिया गया है। तुम्हें एक सिंगल बुकलेट चाहिए होगी बस ये वाली, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर मेंस, प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल सब कुछ लगा के दिए और विद सॉल्यूशंस विद देयर क्यूआर कोड। सो टेक्नोलॉजी डाल के आपको इसके अंदर दिया, ठीक है जी। एंड डेफिनेटली सेशन रिप्लेस आपके पास रहेंगे, कोई भी बच्चा कभी भी किसी लेक्चर को अगर इनकेस मिस करता है तो पूरे का पूरा वो लेक्चर अपना घर बैठ के वो देख सकता है। डेफिनेटली जो नोट्स हैं लेक्चर भी मिलेंगे और लेक्चर के नोट्स जो होते हैं वो भी आपके पास, सभी लेक्चर के टीचर के लिखे हुए नोट्स भी तुम्हारे पास रहेंगे, ताकि कभी भी कुछ ऐसा ना हो मैं नोट नहीं कर पाया, कुछ क्लास में नोट नहीं कर पाया तो बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे बेसिकली ऑफलाइन की जो लिमिटेशन होती है उन्हें खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी लिमिटेशन बड़ा ऑफलाइन की होती है डाउट, डाउट पूछोगे दो दिन बाद तब तक डाउट ही भूल जाता है, और वो भी भीड़ में जाके 10 बच्चों के बीच में बैठ के पूछना। तो डाउट ऐप तुम्हें दे दी है, डाउट ऐप के अंदर सिर्फ स्कैन करना है, स्कैन करके डाउट की फोटो भेजनी है, साथ ही साथ तुम्हें डाउट मिलेगा। और अगर अगर हमें लगा कि यार नहीं यार आपको लगा कि यार मुझे समझ में अभी नहीं आया, तो फिर तुम वीडियो कॉल कर सकते हो, हमारा डाउट टीचर डायरेक्ट कैमरा ऑन करके 1-to-1 तुमसे तुम्हारा डाउट डिस्कस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे बच्चों आपको दे दी जाती है। इसके अलावा मेरे बच्चों आता है VIP वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, ये सबसे बेटा घातक चीज है। वेदांतु ये सब कुछ करने के बाद भी इस बात की जिम्मेदारी और गारंटी लेता है तुम्हारा रिजल्ट आएगा, अगर तुम्हारा रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वेदांतु तुम्हें सारे पैसे रिफंड कर देगा। फिर हम ये मानते हैं गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी भी है कि प्रोवाइडेड तुमने लेक्चर्स लगाए हो, कि अगर हमारे लेक्चर्स और सारा सिस्टम करने के बाद भी अगर तुम्हारी है ना अगर डाउट अगर तुम्हारी रिजल्ट नहीं आती तो फिर हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे रिफंड कर देंगे। तो जिम्मेदारी जो है फिर वो पूरी ली जाएगी, है ना, और आप लोगों का ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई बात नहीं यार, है ना, कि अगर बच्चा नहीं कर पाया तो फिर हम भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। बाकी बेटा डेफिनेटली वेदांतु एक बहुत बड़ा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो आपको उस कम्युनिटी के अंदर एक तो आप उसके मेंबर बनेंगे और डेफिनेटली बेटा आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फिर आपकी रैंकिंग पता लगती है मैं खड़ा कहां पे हूं। तो आपका जो रिजल्ट होगा किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं होगा कि आपके सेंटर के अंदर आपका क्या रिजल्ट है, पर ऑल ओवर इंडिया आप कहां खड़े हैं, आपको उस कम्युनिटी के अंदर रहने का, उनके साथ ग्रूम होने का, सीखने का और अपनी परफॉर्मेंस को मैप करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अब बात बेटा यह है कि हमारे इन बैचेस में आने के लिए आपको करना क्या है, बेटा बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है, आप उस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करके हमारे इन बैचेस में आ सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे, आपसे मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट होगी। मैं चाहता तो लिंक दे सकता था, आप लिंक पे क्लिक करो और हमारे बैच के अंदर आ जाओ, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम आपसे एक बार बात करें, आपके लिए मैक्सिमम अफोर्डेबल इन कोर्सेज को किया जाए। और सबसे बड़ी बात बेटा, अगर हमें लगा कि तुम इस बैच में आने के लिए तैयार नहीं हो तो उसके बाद फिर हम भी तुम्हें मना कर देंगे, हम भी तुम्हें ये गाइड करेंगे कि आपके लिए ये बेटर ऑप्शन आप ये करिए। तो आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं, 9th को 10th को 11th को 12th को, ड्रॉपर हैं, 13th क्लास के अंदर हैं, आप आ सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी फॉर्म भर के ही आ पाएंगे और ये मेरी टीम है जो तुम तक रीच आउट करेगी, तुमसे बात करेगी और 1-to-1 तुम्हारी क्वेरीज को सुनते हुए अपने पेरेंट्स के साथ बैठिएगा, है ना, और मात्र 2 घंटे के अंदर तुम्हें कॉल आएगा, है ना, इस वीडियो जैसे आप भरेंगे फॉर्म को 2 घंटे के अंदर आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करके आपके लिए कई बार कुछ ऐसे आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, कोई 10th में ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो आप फिर उस बैच में उस हिसाब से बच्चों आएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्राइस पे और आपके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो हम उस हिसाब से आपको इस बैच के अंदर बच्चों लेकर आए, ठीक है। बाकी स्टिल मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जो भी बच्चे हमारे क्लास 11th की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बेटा इस बैच का नाम है प्रो क्लासिक बैच। आप इस बैच में अगर आते हैं तो आपका जो प्राइस होगा वो होगा 94,600 रुपीज, ठीक है जी। इसके अंदर अभी कोई स्कॉलरशिप इंक्लूडेड नहीं है, नथिंग है, तो वो फिर आपसे बात करके जो बेस्ट पॉसिबल मिलेगा, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा उसके बाद आपको बैच में ऑनबोर्ड किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये वही सारा बैच, इसके अंदर लाइव लेक्चर्स होंगे, इन डाउट क्लास सॉल्विंग होगी, क्विजेस होगा, असाइनमेंट्स होगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, है ना, डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये प्रॉक्टर करके प्रॉपर कैमरा ऑन करके आपका जो है वो आपका यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी, तो इसमें आप आ सकते हैं। इसका एक और वर्जन है इसका, और ये पूरा मतलब क्लास 11 का मतलब ये 2 साल का कोर्स है, 11th और 12th, पूरा 2 साल का प्राइस है। इसका एक और एडवांस वर्जन है जिसे हम बोलते हैं प्रो प्लस, तो प्रो प्लस का प्राइस 1,16,600 के आसपास है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक पर्सनल टीचर अलग से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सारे ये वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट एक अलग से पर्सनल टीचर जिसको आप 1-to-1 बात करोगे पूरा 2 साल, तो वो पर्सनल टीचर भी आपके पास रहेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिन्हें ये लगता है
कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं यहाँ पे ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो और क्लास ट्वेल्थ का अगर कोई बच्चा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त क्लास ट्वेल्थ के अंदर है और अगले साल 2025 में जेई देने वाला है, तो अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो बेटा प्राइस इज माई 62,700 रुपीज। अगेन ये हमारा प्रो क्लासिक बैच है, फीचर सारे सेम है, प्रॉक्टर्ड होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर। आपका कैमरा ऑन किया जाएगा, हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होगी, सारा कंटेंट दिया जाएगा, सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी, एवरीथिंग विल बी देयर, असाइनमेंट सब कुछ होगा इसके अंदर। इसके अंदर अगर आपको पर्सनल टीचर चाहिए 12th वाले बच्चे को, तो फिर बेटा वो 74,800 रुपीज ले सकता है। प्रो प्लस के अंदर पर्सनल टीचर आपको अपना एक अलग से बच्चों मिल जाएगा, ठीक है, आप ये ले सकते हैं बच्चों। और अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, 12th में भी दो तरह के बच्चे होते हैं, जो क्लास 12 के होते हैं और जो ड्रॉपर हैं, तो ड्रॉपर के लिए प्राइस जो है इस बैच का वो है 73,700 रुपीज। और अगेन अगर आप प्रो प्लस मॉडल लेते हैं तो वो आ जाएगा 85,800 रुपीज, जिसमें पर्सनल टीचर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये सभी क्लासेस का मैंने प्राइस आपको बता दिया है। अगेन इन सभी बैचेस में आने के लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत स्पेशल, बहुत वेरी क्लोज टू हार्ट, दिल के करीब वाले बैचेस हैं, तो इसमें सिंपली आपको लिंक देके नहीं हम लेके आएंगे, आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के और आपके लिए और बेहतर है ना, और बेहतर प्राइसेस पे आपको यहाँ पे हम ला पाए, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भरना है बच्चों, ठीक है। तो करना कैसे है मेरे बच्चों, बहुत सिंपल है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, बाकी सारा काम हमारा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह फॉर्म दिख रहा होगा, एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म, यहाँ पे बेटा क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे एक बेसिक सा फॉर्म आ जाएगा, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, किस क्लास में हो क्लास को सिलेक्ट कर लो। सर मैं जैसे मैं 12th क्लास के अंदर हूँ या 11th क्लास के अंदर हूँ, किस कोर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, जेई नीट है ना, और छोटी क्लास में हो तो स्कूल प्रेप लिख देना। और ये जरूर येस करना, 1-to-1 काउंसलिंग को बेटा 100% येस करना है आपने, बिकॉज तभी फिर मेरी टीम आप तक पहुंचेगी। और ये मेरी टीम है बच्चों, ये ऐरी गैरी ऐसे मत समझ लेना कि भैया किसी का कॉल आ रहा है, ऐसा नहीं। ये विनय सर की टीम की तरफ से, ये मेरी जो सेल्स टीम है वो आपको बेसिकली वहां पे आपको कॉल करेगी, और उनको मैंने पूरा बता रखा है, पूरी मेरी उनके साथ वो बात है कि कैसे इन बच्चों के साथ सबसे बेहतर, क्योंकि ये हमारे वेदांतु के प्यारे है ना जेई के जो बच्चे हैं, तो इनके लिए सबसे ईजिएस्ट ऑन बोर्डिंग इन बैच के अंदर हमें करनी है, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, और बाकी अगर जरूरत पड़ी तो क्वेरी मेरे पास अगर आती है तो मैं डेफिनेटली मैं भी ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको येस कर दीजिएगा, और डेफिनेटली मेरे बच्चों यहाँ पे कोई अगर आपकी स्पेसिफिक क्वेरी हो उस क्वेरी को फिल कर दे, एनी क्वेरी विच यू लाइक टू हैव, और कोई अगर अच्छी अच्छी बात है बताइए, ताकि हम भी प्रिपेयर हों, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो और किस टाइम पे आप चाहते हैं आपको कॉल किया जाए, सारे टाइम स्लॉट्स गिवन है, जैसे 4 to 6 PM चाहते तो कर दो, सबमिट कर दो, खत्म बात, बस आपका इतना काम है, बाकी सारा काम बच्चों हमारा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, जय माता दी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है जी। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ और फिर इधर आ जाओ, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिनसे एक्चुअली नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, उन्हें फिर एक बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए ऑनलाइन, ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी कंप्रोमाइज ना हो और ऑफलाइन वाले फीचर्स भी मिल जाए, तो फिर आपके लिए ये बैच सबसे बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता।